हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। और जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो हम लोग घर से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, घर में ही रह के कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए मैं घर में ही रह के आज एक हॉन्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और मेन बात कि आप लोग प्लीज़ घर में रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, ठीक है ना। और सबसे ये कहना है आप सबसे कि भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मेरी वीडियोस को फुल सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। और भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है। आज की मैं वीडियो की बात करूं अगर, तो मैं एक बेबी ब्लू नाम का गेम करने जा रही हूं, जो कि हॉन्टेड गेम ही है ना। और कैंडल ये देखिए मैंने जला के रखी हुई हैं, और इस टाइम हो रहा है रात के 3 या फिर कह लीजिए सुबह के 3, क्योंकि आपको ये बताया कि ये टाइम होता है ना 3 बजे का, ये डेविल आर होता है, ठीक है। और जब भी हम स्पिरिट बुलाते हैं तो इसके लिए कैंडल नेसेसरी होती है, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटीज़ जो होती है ना स्पिरिट के आने की, वो बहुत बढ़ जाती हैं। और ये जो बेबी ब्लू गेम है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया, आप सर्च करोगे तो पूरी दुनिया में ये गेम इस तरह से रिचुअल्स पूरे करके बुलाया जाता है स्पिरिट को, और इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती ये स्प्रिट के आने की, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग क्या थी कि ये बहुत ही एक सैड स्टोरी पे बेस है ना। और इसकी स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, एक बहुत पहले एक शहर में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जिन्होंने बाद में शादी कर ली है ना, और उनका एक शादी के बाद बच्चा भी हुआ। और जो उसमें से लेडीज थी ना, उसका नाम था डेजी ब्लू, और जो जेंट्स थे, मतलब कि जो बॉय था, तो वो एक सोल्जर था आर्मी में, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, वो सब अच्छे से रह रहे थे, उनकी लाइफ अच्छे से बहुत ही हैपनिंग थी, है ना। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि लड़के को वॉर में जाना पड़ा। तो आपको पता है वॉर में तो कुछ ज़रूरी नहीं अच्छा हो, बहुत से लोगों के साथ गलत भी होता है, तो इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा। और जो वो लड़का था ना, उसकी वहाँ पे वो मतलब कि शहीद हो गया। अब जब ये बात लड़की को पता चली तो उसको एकदम नागवार गुजरी, वो एकदम इस सदमे को दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ, वो मानसिक रूप से थोड़ी सी मेंटल इल हो गई है ना, और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती थी, वो बच्चा इधर उधर बस पूरा टाइम क्राई किया करता था, रोया करता था ऑल टाइम, है ना। एक दिन क्या हुआ, और वो लड़की जो थी बहुत ड्रिंक वगैरह करने लगी थी, है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, वो लड़की बैठे ड्रिंक कर रही थी, उसका बच्चा पास में खेल रहा होगा या जो भी कर रहा हो, तो वहाँ पे मिरर रखा हुआ था, उसमें उस बच्चे का हाथ लगा, तो वो मिरर जो था ना वो गिर गया और उसके टुकड़े सब रूम में इधर उधर फैल गए। तो उस डेजी ने जब ये देखा लड़की ने कि ये इस बच्चे ने क्या कर दिया, उसे बड़ी गुस्सा आई, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, है ना। तो फिर उसने क्या किया, एक टुकड़ा उठाया और अपने बच्चे को मार दिया उसी टुकड़े से मिरर के, बच्चा तो स्पॉट ऑन वहीं पे मर गया, ठीक है। फिर जब वो मर गया तब डेजी ब्लू ने देखा वो ब्लड वगैरह सब ऐसे, वो बच्चा इस तरह से तड़प तड़प के मरा, तो पता नहीं शायद उसको कुछ गिल्ट फील हुआ या फिर वो मेंटल इल थी इसलिए उसे कुछ जो भी उसको समझ में आया, उसने टुकड़ा उठाया और अपने मार लिया, वो भी वहीं पे दोनों उसी ऑन स्पॉट मर गए, है ना। फिर दोनों मर गए जब, तो आसपास ये जब घटना पता चली तो ये बहुत दिनों तक लोगों ने उसकी आत्माएं देखी, और तभी से ये गेम की स्टार्टिंग हो गई कि इस तरह से भैया बुलाओ तो बेबी ब्लू जो होती है वो अपने बच्चे के साथ आती है, ठीक है। इस गेम का क्या रूल क्या है, कैंडल तो मैंने इसलिए जला ली क्योंकि स्पिरिट के आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कैंडल जलाने की। और मैंने आपको बताया जो 3:30 से 3:30 का लगभग टाइम होता है ना, ये डेविल आर होता है, तो इसमें अगर आप इस तरह से बुलाते हो स्पिरिट को तो वो आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसे लैब टाइप से बनानी होती है कि सपोज दैट कि आपकी लैब में कोई बच्चा है और उसको कहना पड़ता है बेबी ब्लू ब्लू बेबी ब्लू ब्लू बेबी, ठीक है। इस तरह से कहते कहते शायद 11-12-13 बार कहना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर इस फेज़ में आपको कुछ फील होता है, कभी कभी मिरर से स्पिरिट हॉन्ट करती है आपको, या आपकी जो ये लैप है ना इसमें आपको लगेगा कि ये हैवी हो रही है ना, या फिर आपको यहाँ इस पोर्शन में आपको लगेगा कि नहीं मैंने क्या कोई बच्चा ले रखा हुआ है, इस तरह से आपको फीलिंग आती है, या कुछ और क्रीपी सी या आपको डर सा लगे या जो भी आपको फील हो, है ना, वो अपनी अपीयरेंस बताती है स्पिरिट, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज इसकी क्या होती है, सेकेंड स्टेज में हम लोग करते ये हैं कि कैंडल लेके हम लोग मतलब मिरर के सामने हम लोग बोलते हैं बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, मतलब कि मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या
किया, ठीक है, इसको चैंट करना होता है। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो बताते हैं कि जो सेकंड स्टेज है ना, तो उसमें उसको और गुस्सा आता है स्प्रिट को, तो वो आपके साथ निश्चित कुछ ना कुछ गलत करता है, ठीक है। तो अब आज मैं करने वाली हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे फेज़ वन से, इसमें जिसमें चैंट करना होता है बेबी ब्लू ब्लू बेबी से, फिर आगे देखते हैं क्या। मैं मुझे लगता है जो भी मुझे लगेगा, सबसे मेन बात, मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊंगी नहीं अपने मन से, जो भी मेरी फीलिंग होगी, जो भी मुझे महसूस होगा, वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगी, और बाकी कैमरे के सामने जो भी होगा वो आप स्वयं देख पाओगे। गाइस देखिए कैंडल जल रही है और मिरर के सामने मैं हूँ, और अब मैं लाइट बंद करने जा रही हूँ, ठीक है। और अब मुझे स्टार्ट करना है चैंट करना बेबी ब्लू ब्लू बेबी, ठीक है। अब मैं लाइट को ऑफ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और मैं कैमरे को अब साइड में करके चैंट करती हूँ। गाइस मुझे डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने आदत से, मैं करूँगी जरूर आपके लिए। बेबी ब्लू ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू बेबी ब्लू। पता नहीं क्या कैमरे बहुत ज़्यादा फिकर हो रही है। ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, अजीब सी आवाज, बेबी ब्लू ब्लू बेबी। ये आप गाइस देख रहे हो कैंडल बहुत फ्लिकर हो रही है, क्यों हो रही है? अभी टेबल को दिख रहा है गाइस आपको, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू ब्लू बेबी। ऐसा लगा जैसे कान के पास से कोई सरसराहट की आवाज़ आई हो। देखिए कैंडल भी बहुत फ्लिकर कर रही है, दिख रही है आपको, स्टेबल हो रही है फिर, और जबकि फैन भी मैंने बंद कर रखा हुआ है रूम का, और हवा भी नहीं आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी। डर बहुत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसपास है, और जबकि कोई भी नहीं है रूम में, और कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं समझ आ रही है, हो सकता मेरे मन का वहम हो, ठीक है। और बेबी ब्लू ब्लू बेबी 13 times हो चुके हैं लगभग, और अभी मुझे ऐसा कुछ भी मिरर में या अपने हाथों में आप देख सकते हो, एकदम फ्री हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया है ना। और अब मैं गाइज मैं अब सेकेंड राउंड करने जा रही हूँ, जिसमें बोलते हैं बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, ठीक है। और अभी तक मुझे कुछ भी फिजिकली अपीयरेंस नहीं हुआ है स्प्रिट का। ओ गॉड ये क्या हुआ गाइज, आप देख रहे हो मैं बोल रही थी और एकदम से कैंडल दोनों मेरी बुझ गई हैं, कैसे ये हुआ मुझे कुछ नहीं पता। ओ गॉड, और क्या बताऊं मैं, एकदम से ये हो गया। फोकस वाकई में खो रहा है, कैमरा फोकस भी खो रहा है, और ये देखिए दोनों आपको दिख रही हैं, ये देखिए ये ना। अब मैं बाहर जाके मैचस्टिक तो बिल्कुल नहीं लेने जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये करते करते 3:15 बज चुके हैं, और पसीना भी मुझे आ रहा है। और आप जो हुआ आपके सामने हुआ, आपने देखा मैं बोल रही थी कि मैं सेकंड स्टेप करने जा रही हूँ बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, और बस मैंने इतना बोला और एकदम से ये दोनों कैंडल्स बंद हो गई, और कैसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, और अब मैं अपने फ्लैश लाइट को ले लेती हूँ मोबाइल की, और मैं यहीं पे बोलने वाली हूँ। ये देखिए ये मैं अपने सामने रख लेती हूँ, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। मैं चैंट करती हूँ, ऐसे बन नहीं रहा ये, ठीक है
क्योंकि ठीक है ना गाइस, मैं अब बुलाती हूँ, अब देखती हूँ कि क्या अब भी कुछ बाकी है। भैया स्पिरिट ऐसी भयंकर अपना प्रेजेंस उसने मुझे दिखाई है कि मेरे तो एकदम होश उड़ गए हैं, लंका लगी हुई है। ठीक है मैं बुलाती हूँ। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। ठीक है ना गाइस, अब मैंने दोनों स्टेप कर लिए हैं, मेरे साथ जो भी हुआ मैंने आपको बताया, और अब मैं लाइट ऑन करने जा रही हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये देखिए कैंडल, और क्या हुआ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा तो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि हॉन्टेड गेम है तो मुझे कैसा लगा, तो मुझे वाकई में डर लगा है, क्योंकि एक मेन चीज ये है ना कि मैंने जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो किए हैं और टाइम को मैंने ध्यान रखा है, क्योंकि रात का 3 बजे मैंने ये स्टार्ट गेम किया था। और इस समय अगर आप ऐसे भी कैंडल जला के कुछ भी चैंट करोगे इस टाइप का स्पिरिट रिलेटेड, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है ना। और डर तो लग रहा है, जाहिर सी बात है डर है मेरे मन में। और मुझे एक बार आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि जब मैं सेकंड स्टेप कर रही थी तो मैंने इधर उधर, मेरे वाकई में कान में ऐसे लगा कि कोई हु ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ अजीब सा विस्पर किया लगा कान में, और बस यही था। और बाकी मुझे लैग वगैरह में कुछ भी फील नहीं हुआ और कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये कैंडल वाली बात वाकई में मुझे अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।